हेलो डियर स्टूडेंट, फिर से आप सभी का एक बार स्वागत है केमिस्ट्री हब में। और आज हम लोग देखेंगे, फोकस करेंगे, कॉन्सेंट्रेट करेंगे मॉडर्न पीरियोडिक टेबल पे। डियर स्टूडेंट्स, अगर आप इस मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को बाहर कर लेते हो तो आप केमिस्ट्री का तकरीबन 30% सिलेबस, माना पूरी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री मान के चले आप समझ जाते हो, माना पूरी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपको हो जाएगा, या केमिस्ट्री का बाकी जो पार्ट है वो भी मॉडर्न पीरियडिक टेबल को अच्छे से समझते हो, बाहर कर दो तो आप बड़ी आसानी से क्या कर सकते हो, उतना पोर्शन आप सिलेबस कवर अप कर सकते हो फॉर नीट, जी मेन एंड एडवांस के लिए। स्टूडेंट माना क्या करना है आपको, सबसे पहले तो आपको मॉडर्न पीरियडिक टेबल में जितने भी एलिमेंट है उसके सदी के नाम आपको पता चाहिए डियर फ्रेंड्स, और उसके साथ साथ आपको उसके बाद वो आपको बाहर करना है एटॉमिक नंबर से, कौन सा एलिमेंट कहां पर है। इससे आपको बाद में पता चलेगा कि उसकी उसका वैलेंस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है। अगर आपको एक बार वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पता चल गया तो आप फिर किसी भी कॉम्प्लेक्स के कलर के बारे में बता सकते हो, उसके मैग्नेटिक प्रॉपर्टी के बारे में बता सकते हो। इवन दो मैं आपको ये बताता हूं कि बहुत सारे प्रोसेसेस सिर्फ 30% इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री नहीं दिए स्टूडेंट्स, ऑर्गेनिक फिजिकल में भी बहुत ज्यादा हेल्प मिलता है। सो मान के चलिए कि सबसे पहले आपको पीरियडिक टेबल बहुत अच्छे से याद करना है, बाहर करना है, तो वो कैसे करते हैं आज मैं आपको बताऊंगा। आपने बहुत सारे वीडियोस देखे होंगे, अलग अलग तरीके देखे होंगे जो आपको क्या करता है कि अगर आपको एक अगर रूप याद करना है, आपको अगर आपको एक पीरियड अगर आपको याद करना है तो बहुत लंबा चौड़ा नाम बताता है। बट मैंने अपने क्लास में दो पार्ट में, माना दो बैचेस को मैंने क्या किया था, एक तरीका जो बताता है जो नॉर्मल लोग बताते हैं उस तरीके से, और जो दूसरा तरीका है जो शॉर्टकट में है या साइकोलॉजिकली बेस्ड तरीका है वो मैंने बताया था। और मैंने ये पाया कि जिसको मैंने इस तरीके ये तरीका बताया था, सजेस्ट किया था कि इस तरीके से आप पीरियडिक टेबल को याद करो, तो उन्होंने वो दूसरे दिन बड़े प्यार से उन्होंने क्या किया, पूरा पीरियडिक टेबल बता दिया। इवन दो वो आज तक उसको अच्छे से बड़े प्यार से याद कर पा रहे हैं या फिर उनको याद है। अदरवाइज जो दूसरा तरीका लोग बताते हैं लंबा चौड़ा, तो उसमें कंफ्यूजन होता है क्योंकि हम एक जो पीरियड है लेकर, एक पीरियड को लेकर बहुत लंबा चौड़ा नाम बता देते हैं। तो वो कैसे, हम आज के वीडियो में देखेंगे किस तरीके से, व्हाट इज द बेस्ट साइकोलॉजिकल वे टू इनकल्केट इन अनकॉन्शियस माइंड, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। हम कल ही आगे डिस्कस करेंगे व्हाट इज कॉन्शियस माइंड, सबकॉन्शियस माइंड एंड अनकॉन्शियस माइंड। जो भी डाटा हमारे अनकॉन्शियस माइंड में फिट होता है डियर स्टूडेंट, वो कभी नहीं निकलता है। तो अगर हम किसी तरीके से सारा डाटा अपने अनकॉन्शियस माइंड या परमानेंट मेमोरी में फिट अप करवाए, सो वो सारी जिंदगी नहीं निकलता है। सो कैसे, व्हाट इज दैट साइकोलॉजिकल वे, हम लोग देखते हैं आगे। सो लेट्स स्टार्ट। सो डियर स्टूडेंट, हम बात करते हैं फर्स्ट पीरियड की, जिसमें जिसको हम कहेंगे हा हा। उसके बाद हम लोग सेकंड पीरियड की बात करते हैं तो इसे कहेंगे लीबेक्नोफेनी। जब हम थर्ड पीरियड की बात करते हैं दोस्तों, तो नाम जे अलीसी पास्कलार। देन फोर्थ पीरियड काका स्कटी वक्रमन फेकोनी कजिन गागे अस्से ब्रोकर। देन फिफ्थ पीरियड की बात करते हैं रबसार यजार नबमुटिक रूर पड़ आजकार इंसान सप्ते आयक सी। देन सिक्स पीरियड की बात करते हैं कस्बा लाहफ्ता वारे ओसीरे पटयुहग थल पबीबी पोएट्रॉन। देन सेवन्थ पीरियड फरारा रब डब सगबा हसमत दस रक्कन और देन नहीं फ्लावर मैक किलवर तुसी आओगे। लेंथनर की बात करते हैं लाह से प्रणाड पमसम युगार तब्दय हो इरतम यब्लू। और आखिरी जो हम एक्टिनाइट्स की बात करते हैं तो एक था पौना पप्पू अम कम बक्सफ एसफम मेडोलॉर। सो ये है दोस्तों तरीका, एक मंत्र के टाइप हम इसको बोलना है, मंत्र के टाइप ये हमें बिल्कुल याद रहेगा। अब इसको हम लोग वन बाय वन पीरियड किस तरीके से याद रखते हैं, फिर से हम इसका एक रिकैप लिखते हैं, तो वन बाय हम फिर से देखेंगे इसको वन बाय वन। सो डियर स्टूडेंट, सबसे पहले हम बात करेंगे फर्स्ट पीरियड की, जिसमें हाइड्रोजन और हेलियम है, इसकी तो ज़्यादा ज़रूरत नहीं, बट फिर भी एक बार हम लोग देख लेते हैं, हा हा कहकर हम इसे बुला सकते हैं। बात करते हैं सेकेंड पीरियड की, जिसमें है कि लिथियम से नियॉन तक, उसे हम क्या कहेंगे डियर स्टूडेंट्स, लिबेक्नोफेनी, लिबेक्नोफेनी। बात करते हैं हम लोग थर्ड पीरियड की, जिसमें सोडियम से लेकर ऑर्गेन तक है, उसको हम कहेंगे नाम जे अलीसी पास्कलार, नाम जे अलीसी पास्कलार। अब हम लोग बात करते हैं फोर्थ पीरियड की डियर स्टूडेंट्स, उसको हम क्या कहेंगे, पोटेशियम कैल्शियम काका, फिर स्कटी वक्रमन फेकोनी कजिन और गागे असे ब्रोकर। अब हम लोग बात करते हैं डियर स्टूडेंट फिफ्थ पीरियड की, सो उसको हम कहेंगे रबसार यजार नबमोटिक रूर पड़ आजकार इंसान सबते आयक्सी। बात करते हैं हम लोग सिक्स पीरियड की, तो उसको हम कहेंगे कस्बा ला हफ्ता वारे ओसीरे पटयोहग थल पबीबी पोएट्रॉन। ये एक मंत्रा टाइप है। अब हम बात करते हैं सेवन्थ पीरियड की, जिसमें है
फरारा, रफडब, सगबा, हसमत, दसरक्कन और जो न्यू एलिमेंट्स उसको हम कहेंगे नहीं फ्लावर मैक के लवर तुसी आओगे। अब हम लोग बात करते हैं लैंथनॉइड्स की। लैंथनम से लुटेटियम उसे हम कहेंगे लासे प्रोनाड पमसम युगाड तबदया हो इरतम यबलू। इसके बाद हम लोग बात करते हैं एक्टिनॉइड्स की, जो कि एक्टिनियम से लॉरेंसियम तक है, उसे हम कहेंगे एक था पाउना पप्पू, अमकम, बक्सफ, एसफेम और मेडलॉर भी थी। सो डियर स्टूडेंट, अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया है तो जरूर इसको आप लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा मेरे चैनल को और बेल आइकन को भी जरूर दबाइएगा ताकि आपको मेरे जो वीडियोस हैं वो आपको मिलते रहे। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।